हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफिकल्ट जनरल एंट्रीज के ऊपर। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है जो जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं अच्छे से, और उनके लिए भी होने वाली है जिनको जनरल एंट्री समझ तो आ गया है बट क्या एक्चुअल में समझ में आया है वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो आपके सामने अब मैं कुछ थोड़ी सी जनरल एंट्री देने वाला हूँ जो डिफिकल्ट होगी, और देखते हैं कि वो कौन कौन बना पाएगा। उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे जनरल एंट्री का एक्चुअल में, जिससे आप बहुत आसानी से कोई भी जनरल एंट्री भी बना सकते हो। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन है, राम सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹50,000। राम ने 50,000 रुपये का फर्नीचर बेचा विद अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। 5,000 का प्रॉफिट किया था उन्होंने, 5,000 का फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर बेचा है, और उसको 45,000 रुपये रिसीव हुए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ वर्मा। यानी कि वर्मा को सामान बेचा होगा, और वर्मा को जैसे सामान बेचा वो प्रॉफिट 5,000 के साथ बेचा था, लेकिन जो वर्मा ने 45,000 रुपये हमें दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब पूरे 45,000 रुपये दे दिए और उसका अकाउंट बंद कर दिया। उसको कह दिया कि भाई अब देखो अकाउंट का आपका जो है वो हिसाब किताब अपना खत्म, यानी कि आपका हिसाब किताब हमारे साथ अब खत्म हो गया है और अब हमारे साथ हिसाब किताब कोई नहीं। इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसकी, राम ने फर्नीचर बेचा 50,000 का, 50,000 फर्नीचर बेचा और प्रॉफिट 5,000 रुपये का हुआ। मुझे एक चीज बताओ, आप एक फर्नीचर जब बेचा है तो फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर बेचने की एंट्री माने क्या होती है? कैश अकाउंट है ना, बट लेकिन यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल लिख दिया है। अगर नाम लिख दिया है तो उसका मतलब हमें क्रेडिट में बेचा होगा, तो नाम आएगा उसका वर्मा, वर्मा डेबिट, वर्मा अकाउंट वैसे लिखते नहीं है, लिख भी सकते हो जब नाम आता तो अकाउंट लिखते नहीं आता, वर्मा डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल अकाउंट थोड़ी आएगा, क्योंकि तो जब नाम आ गया फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर था? 50,000 रुपये का, तो फर्नीचर अकाउंट में तो 50,000 रुपये कट गए, खत्म फर्नीचर। वर्मा को बेचा है, अच्छा वर्मा से मुझे पैसे कितने मिले हैं? 50,000 रुपये मिले हैं? नहीं, कितने मिले हैं? 45,000 रुपये मिले सर। तो 45,000 रुपये फर्नीचर का पैसा वर्मा से मिला। सर ये क्या कर रहे हो? तो 50,000 का फर्नीचर बेचा है तो 50,000 रुपये वर्मा का लिखेगा? नहीं, क्या कहा उसने कि 45,000 रुपये रिसीव हुए है फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट के साथ। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, होने कितने चाहिए थे रिसीव? सर मैंने हमने 50,000 का फर्नीचर बेचा है प्रॉफिट 5,000 के साथ, यानी कि 55,000 का फर्नीचर, 55,000 रुपये का जो फर्नीचर है वो एक्चुअल में मेरा, मुझे उतने पैसे मिलने थे, ये मुझे इतना कैश मिलना था वर्मा से, ये वर्मा से मुझे मिलना था 55,000 रुपये, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि देखो 55,000 का फर्नीचर है, मैंने तो अपना प्रॉफिट जोड़ के उसको बताया था ना। लेकिन फर्नीचर के अकाउंट में तो 50,000 ही कटेंगे, क्योंकि फर्नीचर, एक फर्नीचर को हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो कॉस्ट से रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी कॉस्ट एक्चुअल में लिखते हैं हमेशा, प्रॉफिट नहीं लिखते हैं यहाँ पर। तो फर्नीचर तो 50,000 से ही कटेगा, फर्नीचर तो 50,000 खत्म, लेकिन पैसे यहाँ पर 45,000 नहीं मिलने चाहिए थे, कितने मिलने चाहिए थे? 55,000 रुपये। तो मुझे बताओ कितने पैसे नहीं मिले? सर पैसे जो नहीं मिले हैं वो मिले हैं सर 55,000 मिलने चाहिए थे, 45,000 मिले हैं, 10,000 नहीं मिले, तो 10,000 का मुझे क्या हो गया? नुकसान, नुकसान हो गया। तो नुकसान यहां पर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया है भैया, मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखूंगा ना मैं यहां पर। देखो मुझे 10,000 रुपये का 10,000 रुपये नहीं मिले क्योंकि मुझे डिस्काउंट देना पड़ गया। उसने क्या कहा है कि 45,000 रुपये उसने पूरे पैसे दे दिए, अपने पूरे अकाउंट को सेटलमेंट कर दिया, यानी कि अब और पैसे नहीं देगा, यानी कि मैंने उसको कह दिया होगा कि देखो 10,000 रुपये आपको ना दो, डिस्काउंट दे दिया मैंने आपको, तो डिस्काउंट अलाउड आएगा यहां पर 10,000 रुपये। लेकिन सर एंट्री तो फिर भी टैली नहीं हो पा रही है। ठीक है यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दे दिया, बट यहाँ तो 55,000 आ रहा है, यहाँ 50,000 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में तो 50,000 लिखा हुआ, बट मेरे भाई फर्नीचर मैंने 55,000 का बेचा है, तो 55,000 रुपये तो यहाँ पर मिलने चाहिए थे, तो इधर भी तो नीचे 55,000 रुपये आना चाहिए, 5,000 रुपये और आना चाहिए, वो कहाँ रहेगा? यानी कि जो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट होता है उसको कहाँ लिखता हूँ? क्रेडिट साइड पे। 50,000, देखो पूरे
55,000 का फर्नीचर जो बिका उसको तोड़ के दिखा रहे हैं, उसमें से 50,000 रुपये का फर्नीचर की वैल्यू है और प्रॉफिट कितना हुआ उसको अलग से दिखाएंगे, बिकॉज प्रॉफिट आपका अलग है, वो इनकम है, और फर्नीचर आपकी 50,000 की इसमें कॉस्ट है, कॉस्ट को अलग दिखाते हैं, प्रॉफिट को अलग दिखाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। समझ आया? ये एंट्री कोई इतनी सिंपल नहीं है जो कोई भी बना देगा, ये है इसकी एंट्री। तो एंट्री बहुत बढ़िया है, ये जनरल एंट्री इतनी सिंपल नहीं है कि आराम से कोई भी बना देगा, बहुत सारे लोग गलत बनाया होगा किसी ने, ये इसकी सही एंट्री है, और इस प्रॉफिट को बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना, ये इसकी सही एंट्री है, और काफी लोगों ने गलत बनाई होगी, एक्चुअल में बहुत बढ़िया एंट्री थी। क्योंकि देखो फर्नीचर एक तो बिका, पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बिका है तो प्रॉफिट को अलग दिखते हैं, लेकिन सेटलमेंट आपकी 45,000 की पूरी हुई तो 10,000 का आपको नुकसान हुआ, वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ लिखेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि ये आपका नुकसान होता है, ये आपका नुकसान हुआ, तो ये भी आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो अगर मैं इसकी तो पहले एंट्री ये हुई है, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री दिखाओ तो ये होती है। देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को मैं कहाँ भेज दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट देखो यहाँ पर अलाउड डेबिट हो रखा है ना, तो यहाँ पर जब भेजूंगा ना ट्रांसफर करूंगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपकी इनकम है, इनकम कहाँ जाती है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो ये देखो इसको जब ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, ये क्रेडिट हो रखा है तो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगी और ये नुकसान डेबिट साइड पे जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी एंट्री आपको समझ में आएगी, अगली एंट्री की तरफ देखते हैं। चलिए एक और धमाकेदार एंट्री समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी खतरनाक एंट्री है ये, डिफिकल्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके कभी भी एग्जाम में नहीं आनेगा, ये सीधे समझ रहे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2022 को एक बात ट्रांजेक्शन हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया 50,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने 50,000 का, कह रहा है कि जिसके अंदर 2,000 रुपए का विच इंक्लूड्स 2,000 ड्यू ऑफ 31 मार्च 2021, हमने 1 अप्रैल 2022 को इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50,000 का पे किया है, जिसके अंदर 2,000 रुपए का बिल ऐसा है जो कि ड्यू चल रहा था 31 मार्च 2021 से, जो 31 मार्च 2021 का ड्यू बिल था उसको हमने पे कर दिया इसके अंदर, एंड 1,000 एडवांस ऑफ 31 मार्च 2023, हमने 1,000 रुपये एडवांस पे कर दिया 31 मार्च 2023 का, ताकि हमें 31 मार्च 2023 को 1,000 रुपये पे ही ना करना पड़े। तो इसका मतलब इसके अंदर पिछला भी बिल ड्यू है और अगले वाला एडवांस भी है इसके अंदर इंक्लूड। और एक और चीज लिखे हुए, इलेक्ट्रिसिटी हैज नॉट रिसीव टिल 2023 इन ए बिजनेस, बिजनेस में लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, बिल तो पे कर दिया पर इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं। आपने एक कंसेप्ट सुना है, आपका एक कंसेप्ट था मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है और साथ में एक एक्यूरल, एक्यूरल प्रिंसिपल में आता ही है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर जो भी एक्सपेंसेस हुए और जो भी इनकम हुई उस सबको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप अपना प्रॉफिट निकाल सको सही तरीके से, एक्सपेंसेस हो इनकम हो एक साल वाली उस करंट ईयर की, यानी कि अगर मैं 2022 की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो 2022 के जितने भी एक्सपेंसेस हुए जितने भी इनकम हुई उन सबको रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन एक्सपेंसेस वो कौन से रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जो कि आपको एक्चुअल में मिले हैं, यानी कि उसकी जो सर्विस है वो मिली होनी चाहिए, सर्विसेज मिली होनी चाहिए, पैसा आप पे करा है कि नहीं करा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर आपको उसकी सर्विस मिली है तो आपको वो रिकॉर्ड करना है, कैश में हो या नॉन कैश में हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनकम में भी है भैया, आपने सर्विस अगर उसकी ली है, सर्विस का क्या मतलब है, जैसे कि सैलरी आपने पे करी, सैलरी आपने पे करी मान लो एक एम्प्लॉय को 50,000 रुपये,
और 50,000 की आपने सर्विस लेके आपने पे करी है 50,000 की सैलरी, तो दैट इज एक्सपेंस। क्या आपने भैया उसका सर्विस ली तो उसका खर्चा पे किया है, बट अगर आपने सर्विस ही नहीं ली और 50,000 रुपये का सिर्फ पैसा पे कर दिया तो क्या वो एक्सपेंस है? सोचो जरा, नहीं है ना, क्योंकि भैया मैंने यूज ही नहीं किया उस बंदे, इंप्लॉय को रखा ही नहीं था, इंप्लॉय आया नहीं मेरे बिजनेस में, 50,000 पे कर दिए मैंने, तो किस बात का खर्चा है भैया? खर्चा हुआ कहाँ है? तो बेसिकली यही चीज है, खर्चा कहीं नहीं हुआ बेसिकली। ये देखो ये लिखा हुआ है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को यू इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं 2023 तक, तो भैया 2022 के मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं अगर, तो 2022 में क्या इलेक्ट्रिसिटी अगर मुझे मिली नहीं है तो क्या ये मेरा एक्सपेंस है? मतलब मैं खर्चा है मेरा ये? नहीं है ना, खर्चा है नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे तो कर दिया 50,000 का, बट उसको सर्विस नहीं मिली, और जब तक सर्विस नहीं मिलेगी तब तक मैं उसे एक्सपेंस नहीं मानूंगा, जब तक सर्विस नहीं मिलेगी तब तक मैं उसे एक्सपेंस नहीं मानूंगा, क्योंकि तब तक वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। एक और चीज आपको बताता हूँ, एक और मजेदार बताता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस का आपको नाम सुना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? मतलब एक ऐसा खर्चा जो कि मैंने एडवांस में अगले साल के लिए पे कर दिया। सबसे एग्जांपल बड़ा क्या है, इंश्योरेंस, कि आपने इंश्योरेंस लिया और आज ही 1 लाख रुपए पे कर दिया, बट उसकी सर्विस नहीं मिली, सर्विस कब मिलेगी? अगले साल तक, यानी कि मान लो 31 मार्च 2022 को मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस लिया, मतलब इंश्योरेंस लिया और उसकी सर्विस जो है वो 31 मार्च 2023 तक मतलब मिलेगी, अभी मुझे सर्विस मिली नहीं है, मैंने एडवांस में पैसा पे कर दिया, तो जो एडवांस में पैसा पे करते हैं उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और उसको मैं क्या मान लेता हूँ, करंट एसेट की मान लेता हूँ, क्योंकि 1 साल के बाद सर्विस मिलेगी ना उसे, 1 साल तक मिलेगी, तो दैट इज आपको करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, जो 1 साल के अंदर आपको बेनिफिट देते हैं, 1 साल के अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये 1 साल में कैश में कन्वर्ट तो नहीं होता, बट ये क्या होता है कि आपका एसेट स्टार्टिंग में बनता है, बट उसके बाद धीरे धीरे उसको रिटर्न ऑफ करके करते हम उसको एक्सपेंस मानते हैं, कि जैसे कि आपने 1 महीने की सर्विस मिली तो उसके बाद उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, 1 महीने खर्चा मान लेंगे, फिर 2 महीने के मिले 2 महीने खर्चा मान लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर मुझे बताओ क्या प्रीपेड एक्सपेंस भी इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? कुछ लोग इसको प्रीपेड एक्सपेंस मान लेंगे, ये तो तभी तो डिफिकल्ट एंट्री में दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी 50,000 की पे करी, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है पे करी है, इसमें 2,000 रुपये का खर्चा पुराना था, तो एक एंट्री तो ये बन सकती है कि भाई आपका जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो खत्म हो गया, ठीक है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म हो गया इसकी वजह से, बहुत बढ़िया बात है। आपको 1,000 रुपये का एडवांस रेंट आपने एडवांस दे दिया है, एडवांस दे दिया है, तो मेरे भाई वो क्या एंट्री बनती है एडवांस की, मुझे बताओ? अगर आपने एडवांस कोई पैसा पे कर दिया है 31 मार्च 2023 का, तो ये एडवांस में क्या बोलते से प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्कुल सही समझा आपने, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका बन गया है कितना, 1,000 का, कि 1,000 रुपये आपने पे कर दिए इसके साथ 2023 का, तो ये आपका आएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, एसेट बना दिया आपने ये, तो पहली एंट्री तो ये बनेगी। एक दूसरी एंट्री इसमें क्या है, ये आउटस्टैंडिंग वाला खर्चा पे कर दिया आपने। अब सवाल ये उठता है कि कैश यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट खोलूँ या ना खोलूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट खोलूंगा इसका मतलब मैंने पैसा पे किया इलेक्ट्रिसिटी का, पर ये कह रहे इलेक्ट्रिसिटी तो मिली नहीं है मेरे को, 2023 तक नहीं मिली है, इसका मतलब 1 साल तो है ना, कि 2022 में मैंने पैसा पे किया 50,000 का, पर 2023 तक नहीं मिली, उसके बाद मिल गई होगी, टिल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी मेरा प्रीपेड एक्सपेंस ही है, ये प्रीपेड एक्सपेंस ही तो है मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला, समझ आ रही बात? तो बेसिकली 50,000 में आपका 1,000 रुपये जो इंक्लूड है उसको इंक्लूड रहने दो, ये पूरा 50,000 ही लिखो, कि मेरा 50,000 रुपये का प्रीपेड एक्सपेंस हो गया है इलेक्ट्रिसिटी वाला, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो आप इसे, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ये 50,000 रुपये की पूरी इलेक्ट्रिसिटी हो गई है जो मैंने 50,000 की पे कर दी है। हाँ, लेकिन 2,000 रुपये इसमें ऐसे थे जो कि पिछले पैसे थे, तो 2,000 रुपये छोड़ दो, इसमें से 48,000 रुपीज ऐसे है जो कि मैंने अगले साल के लिए पे कर दी है, 2023 के बाद मुझे इलेक्ट्रिसिटी का आपको सर्विस मिलेगी, ये इसकी फाइनल एंट्री बनेगी। क्या खतरनाक क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन आपने कभी देखा है? तो यही तो मैं कह रहा था, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का आपको फ्यूचर में अगले साल मिलेगी,
तो जो अगले साल मिलते हैं आपको सर्विस, उसे प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी इसने लिख दिया। लेकिन 2,000 रुपये इसमें ऐसे पे कर दिए थे मैंने जो कि पिछले थे, आउटस्टैंडिंग वाले थे। आउटस्टैंडिंग वाला थोड़ी रहता है प्रीपेड में, अगले साल लेते तो 48,000 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। अच्छे समझ में वीडियो को लाइक करें, समझ जाए और फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।